नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। कॉलेज लेवल की जो क्लासेस हैं उसमें मुख्य रूप से हम ज्योग्राफी को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं और वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका जो सिस्टम है बहुत ही कमजोर नजर आता है। तो इसीलिए ये क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कि आप कहीं भी बैठे हैं तो आप इनका अध्ययन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको थोड़ा पता भी चल सके। क्योंकि आपका जो इसमें ज्योग्राफी का जो पहला पेपर रहता है फिजिकल ज्योग्राफी, और ये काफी आपको बिना पढ़े बिना समझे ये आपको काफी पीछे रखता है। तो उसी आधार को लेकर के मैंने ये क्लासें प्रारंभ की हैं। और आपका जो पर्सन भी है, पर्सन जैसे ये कि आपका टॉपिक पूरा होता है तो मैं पर्सन भी बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको पर्सन मिलते हैं कॉलेज लेवल की क्लासों में, कि आपका जो पेपर आएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर के हम बात कर रहे थे, उसमें आपको पहला आया था कि भौतिक भूगोल की परिभाषा, एक सामान्य सी परिभाषा आपको बताने की कोशिश की थी ताकि आप अपने स्तर पर उस चीज को समझ सकें और बाकी किताबों से आप उसको ज्यादा लिख सकें। पहली बात थी समझना। जैसे भौतिक भूगोल की हम परिभाषा की बात कर रहे थे, हम उसके बाद में ये कह रहे थे कि इसके विषय क्षेत्र, तो आपको ज्यादा इसमें पजल नहीं होना है। जो भौतिक भूगोल की परिभाषा है वहीं से ही इसका विषय क्षेत्र भी निकल के आता है, और विषय क्षेत्र से ही परिभाषा आप बना सकते हैं। जैसा कि हमने भौतिक भूगोल की परिभाषा में कहा कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, इनको लेकर इसी को लेकर के हम कहते हैं भौतिक भूगोल, क्योंकि हम इस भौतिक भूगोल में इनका अध्ययन करते हैं। आप जिनका हम अध्ययन करते हैं वही इसका विषय क्षेत्र है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि विषय क्षेत्र जो है वो परिभाषा से जुड़ जाता है, कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल और जीव मंडल का अध्ययन करते हैं। हालांकि उसमें हिममंडल की कोई दिक्कत नहीं, स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इस प्रकार से उस बात को समझ करके ये बता सकते हैं। अब बात आती है कि विषय क्षेत्र की, तो विषय क्षेत्र हम बात करते हैं कि भाई हम भौतिक भूगोल में या फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी क्या करते हैं। तो आप जब भी इस बुक को खोल करके देखेंगे तो इसके पार्ट्स भी बटे हुए हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, ये आपको भौतिक भूगोल में मिल जाएंगे। बस हम इसी इन्हीं का अध्ययन करते हैं, ये हमारा विषय क्षेत्र हो गया। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रश्न बनता है कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र के बारे में आप लिखिए तो क्या लिखोगे, तो आपको थोड़ा एक जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इसके अंतर्गत आता क्या है। इसके अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं वही इसका विषय क्षेत्र है। फिर इसके बाद में काफी बड़ा हो जाता है ये विषय क्षेत्र, उनकी खुद की शाखाएं बटने लग जाती हैं, तो वो हम इतना लंबा तो नहीं चलेंगे, लेकिन आपको जो मुख्य बेस जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम बात कर लेते हैं इसको वो फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। अब भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है मुख्य रूप से हम बात करते हैं स्थल मंडल है इसका अध्ययन करते हैं, जल मंडल है इसका अध्ययन करते हैं, वायुमंडल है इसका अध्ययन करते हैं, और जीव मंडल इसका अध्ययन हम करते हैं। तो जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं किसके अंतर्गत कर रहे हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत कर रहे हैं, अर्थात ये भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र हैं, ये स्कोप है, ठीक है, कार्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र, ठीक है। अब ये आपको पर्टिकुलर ध्यान में रखने हैं। अब आगे लिखा है कि भाई स्थल मंडल, आगे लिखा है भू आकृति विज्ञान, अर्थात यानी कि इस ग्लोब के ऊपर जितने भी प्रकार के ऊंचावच हैं, ऊंचावच कैसे बने, किस प्रकार की संरचना बनी, कब बनी, ये सारा का सारा अध्ययन हम कर लेते हैं। और स्थल मंडल का जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययन करने वाले विज्ञान को बोलते हैं भू आकृति विज्ञान अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद में जैसे जल मंडल का यानी समुद्रों के बारे में, झीलों के बारे में, सागरों के बारे में, उनकी जो भौतिक विशेषताएं हैं, उनकी जो जैविक विशेषताएं, उन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को बोलते हैं समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ठीक है। इसके बाद में बात आती है वायुमंडल, एटमॉस्फियर। तो हम वायुमंडल का अध्ययन कौन से विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसका नाम है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में जीव मंडल यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर बिना किसी रक्षक के स्वतः ही जो जीवों का विकास हुआ,
और उन जीवों के बारे में जो अध्ययन करने वाली विज्ञान है वो है जीव भूगोल या जैव भूगोल, ठीक है, बायो ज्योग्राफी। तो ये तो इनसे संबंधित यानी कि स्थल मंडल से संबंधित विज्ञान हो गई, मुख्य रूप से भू आकृति विज्ञान, जल मंडल से संबंधित हो गई यानी इसके बारे में जो अध्ययन करने वाली विज्ञान हो गई समुद्र विज्ञान, या आप उसमें लिखोगे वायुमंडल से संबंधित जो विज्ञान है वह है जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में जीव मंडल का है तो उसमें है जीव भूगोल, वायु ज्योग्राफी या जैव भूगोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को लेकर के चर्चा अगर आपके सामने प्रश्न बनता है कि भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र, तो ये चार कंटेंट आपके दिमाग में होने चाहिए कि हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत या भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है ये निम्न है कि स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जीव मंडल है। फिर इनका थोड़ा थोड़ा विस्तार से थोड़ा थोड़ा आप अध्ययन करते और आप लिखेंगे कि इसका अध्ययन हम वाकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जल मंडल का अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जीव मंडल का अध्ययन हम जैव भूगोल या जीव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। चलिए ठीक है, ये आपका एक पेज का चैप्टर है, एक पेज का जो मैटर है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि आपको लिखना ज्यादा होता है, जो प्रश्न आते हैं वो 5 प्रश्न आप लोगों को करने होते हैं और उन्हीं में आपको नंबर मिलते हैं। अब ये आपके दिमाग को सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ेगी खुद को कि आप ये जो पॉइंट लिख रहे हो इन पॉइंटों को आप कितना इसको बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप लिखें, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कॉपियां तो काफी ऐसा वैसा लिखा आता है, उसमें कुछ मैटर नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्थल मंडल से संबंधित जो पॉइंट्स हैं आप उन्हीं को उठाइए। अब जैसे हम देख लेते हैं भाई स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं, तो हम देख लेते हैं भू आकृति। अब भू आकृति किसकी है, अब ग्लोब के ऊपर ही भू आकृतियां पाई जाती हैं, और इन भू आकृतियों में अगर हम स्पष्ट से एक बात कर ले ऊंचावच, जबकि सब जानते हैं, सब नाम सुने हैं, लेकिन ऊंचावच होते क्या है, तो ये ग्लोब के ऊपर ही होते हैं। अब ग्लोब किसका रूप है, पृथ्वी का रूप है। अब इस ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर ऊंचे नीचे स्थान होते हैं जिनको आप ऊंचावचों की श्रेणी में रखते हैं, फिर भी मुख्य रूप से अगर ऊंचावचों को यहाँ भूआकृति विज्ञान में स्थान दिया गया और उनको बांटा गया तो 3 प्रकार के ऊंचावच यहाँ मुख्य रूप से बताए गए, ध्यान रखिएगा कितने, 3 प्रकार के। अब उन्हीं के बारे में सारी चर्चा इसके अंतर्गत भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत होती है, चाहे पर्वत पठार मैदान है, सागर महाद्वीप है, इसके बाद में नदियों और सरिताओं से बने जितने भी भाग हैं, ये सब के सब ऊंचावचों की श्रेणी में शामिल होते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो ऊंचावच मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को पता है, 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। अब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, इनका जो विभाजन किया गया, प्रथम श्रेणी के ऊंचावचों की आप बात करोगे तो इसके अंतर्गत सीधी सी बात आती है महाद्वीप और महासागर, ये 2 प्रकार के ऊंचावच थे, ये प्रथम श्रेणी के ऊंचावचों में रखे गए कि पृथ्वी के निर्माण के साथ में ही इनका दृश्य सबसे पहले नजर आया था। तो ये भी इनका जो अध्ययन है कि इसके अंतर्गत ही किया जाता है, तो कैसे बने, क्यों बने, इन सब कारणों पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं कि द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच, अब द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच बाह्य और पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा, पृथ्वी के जो आंतरिक बल हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत पठार मैदान झीलें, ये सब द्वितीय श्रेणी के ऊंचावचों में रखे जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो ऊंचावचों में हम बात कर लेते हैं तो उसमें अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा जो जनित स्थल रूप है हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो तृतीय श्रेणी के ऊंचावचों में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक का, आपको हर भाग का आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें होता क्या है और इसका अध्ययन हम किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि यही इस भौतिक भूगोल के मुख्य विषय क्षेत्र बनते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आपको बताना होगा। इसके बाद में जैसे जल मंडल है, जल मंडल का अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो अब जल मंडल में मुख्य रूप से सागर है, महासागर है, इनकी जो विशेषताएं, इनकी जो उत्पत्ति है, इनसे संबंधित जितनी भी सागर महासागरों में घटने वाली घटनाएं हैं
उन सभी से ज्वार बाठा है, लहरें हैं, तापमान है, ये सब चीजें इनसे, इन चीजों के, इन बातों, इनके बारे में आपको बात करनी होगी, बताना होगा। तो ये जल मंडल से संबंधित जो क्रिया है वो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत उसको रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा और इन इन बातों पर आपको थोड़ा थोड़ा विस्तार से लिखना होगा, तो आपका विषय क्षेत्र अपने आप बढ़ता चला जाएगा, पॉइंट बनते चले जाएंगे, बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद में है वायुमंडल, एटमोस्फियर। तो इसमें एटमोस्फियर यानी कि वायुमंडल का अध्ययन मुख्य हम कौन से विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब वायुमंडल से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, वायुमंडल के बारे में विस्तार से जानना, वायुमंडल में होने वाली विभिन्न घटनाएं, मौसम के बारे में जानना, जलवायु के बारे में जानना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार से वायुमंडल या जलवायु में अंतर होता है, मौसम में अंतर होता है, मौसमी घटनाएं कैसे घटित होती हैं, तो आपको टोटल प्रोसेस जो है वो आप इसके अंतर्गत लिखोगे। किसके अंतर्गत? वायुमंडल यानी कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आप उसको लिखोगे, क्योंकि ये इसका भौतिक भूगोल का मुख्य अंग है, मुख्य विषय क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में हम अगर हम बात करते हैं जीव मंडल या जैव मंडल, जीव मंडल या जैव मंडल, जीव भूगोल या जैव भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि जीव मंडल का अध्ययन जैव भूगोल या जीव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें होगा क्या कि पृथ्वी की सतह पर बिना किसी रक्षक के वनस्पति और जीवों का विकास हुआ, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में, इनके वितरण के बारे में चर्चा करनी है आपको, इनकी परिस्थिति के बारे में चर्चा करनी है आपको, विभिन्न प्रादेशिक भिन्नताओं के बारे में आपको चर्चा करनी है, बताना होगा। ये सारा का सारा अध्ययन जो हम करेंगे वो करेंगे हम जीव भूगोल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अगर आप बात करते हो तो ये जो पॉइंट बन जाता है, बस आपको पॉइंट को ध्यान रखना है, और पॉइंट को ध्यान रख करके इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, जिसका विषय क्षेत्र पूछा जाता है। जब भी आप कंटेंट खोल के देखेंगे तो उसमें विषय क्षेत्र जिनको आप उसमें पढ़ते हैं, बस वही चीजें, वही बातें उस विषय का विषय क्षेत्र बन जाती हैं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए मुख्य रूप से कि भौतिक भूगोल की विषय क्षेत्र की जब बात करते हो तो आप आसानी से इनके बारे में बता सकते हो, और इनका अध्ययन करने वाली ये विज्ञान है, तो मुख्य स्पष्ट रूप से मुख्य रूप से आप इन बातों को लिख सकते हैं। तो ये जो बातें थी कि कॉलेज लेवल की जो क्लासेस थी ये आप लोगों को नहीं मिलती थी, तो मैंने उसी को लेकर के ये चीजें आपसे बात करने की कोशिश की है, और मुख्य रूप से आप लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो अगर कोई बात होती है आपसे इससे संबंधित आप कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं मुख्य रूप से, मैं पहले फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि ये मल्टीपल है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है मल्टीपल है। मल्टीपल कैसे है, ये आपके यूजी क्लासेस के लिए तो है ही है, मुख्य रूप से कॉलेज लेवल की जो क्लासेस होती हैं जो आपको कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वो बातें तो इसमें आएंगी। और इसके बाद में ये जो कंपटीशन के जो हैं, तो कंपटीशन में काफी काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ जनरल जो ज्योग्राफी है वो भी बाहर निकलती चली जाएगी, और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता चला जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिजिकल ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भौतिक भूगोल का विकास कैसे और कहां से प्रारंभ होते होते आज से कैसे हुआ है, तो उनके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।